नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका टुडेज के इस खास कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा से चढ़ने लगा है सियासी पहाड़। जी हाँ, अच्छा यही मुद्दा है। ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल पर भाजपा की टेढ़ी नजरें पंचायत चुनाव के बाद से ही गरी हुई है। भाजपा किसी भी तरीके से बंगाल में कमल खिलाना चाह रही है। इसके लिए भाजपा राज्य में वो हर काम कर रही है जिससे पार्टी मजबूत। वैसे पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रथ यात्रा को लेकर चल रही राजनीति इस समय अपने चरम सीमा पर। इसको लेकर बीजेपी जितनी उत्साहित है, विरोधी उतने ही बेचैन हैं। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से टिप्पणियों और अभद्र भाषा का दौर चालू है और कोई किसी को अपने से कम नहीं समझ रहा। आज चर्चा भाजपा के मिशन बंगाल पर। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर भाजपा की रथ यात्रा को लेकर राज्य में राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। यह बात भाजपा और टीएमसी दोनों को पता है कि बंगाल में बीजेपी उभरती हुई ताकत है। अगर भाजपा का यही रुख कायम रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार होगी। सच्चाई तो यही है कि पंचायत चुनावों के परिणाम ने ममता की नींद वैसे ही उड़ा रखी है। इसके बाद भाजपा की यह रथ यात्रा, भाजपा तो इसे ममता बनर्जी की बर्बादी के ताबूत की आखिरी कील मानकर चल रही है। वैसे आपको भाजपा के रथ के बारे में बताएं तो यह भी किसी से कम नहीं है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की गणतंत्र बचाओ यात्रा के लिए दिल्ली से 3 हाईटेक रथ भेजे जा रहे हैं। रथ देखने में तो बस के जैसे हैं, जो पूरी तरह वातानुकूलित है। रथ की विशेषता की बात करें तो इसका हुड खोला जा सकता है। हुड खुलने पर वहाँ एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ से नेता अपना भाषण दे सकते हैं। रथ के अंदर 7 से लेकर 10 लोगों के बैठने की जगह है। अगर कोई आराम करना चाहे तो उसके लिए अलग एक केबिन भी बना हुआ है। इसके अलावा इंटरनेट व लैपटॉप के लिए जगह होगी। रथ यात्रा के दौरान कोई स्वस्थ होता है तो उसके लिए एक अलग केबिन है जहां दवा और डॉक्टर मौजूद रहेंगे। रथ के अंदर एक बायो टॉयलेट भी होगा। खाना रखने के लिए अलग से एक केबिन बना है। सिर्फ इतना ही नहीं, अंदर एक प्रोजेक्टर रखने की भी जगह होगी। रथ के दोनों तरफ ज्वाइंट स्क्रीन भी होगा जिसे साफ सफर के दौरान विभिन्न चित्र देख पाएंगे। रथ के बाहर माइक भी रहेगी। रथ को चलाने के लिए दिल्ली से ही एक विशेष टीम आ रही है। इसके अलावा रथ यात्रा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश से अनुभवी नेताओं को बुलाया जा रहा है। भाजपा ने कहा कि तीनों रथ पश्चिम बंगाल के गरीब लोगों का रथ है जिसे तारापीठ, गंगा सागर और कुछ बिहार से निकाला जाएगा। लिहाजा वहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है जहां पर अमित शाह सभा करेंगे। यात्रा का समापन कोलकाता में होगा जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। खैर, रथ यात्रा से बंगाल भाजपा में होगा या नहीं, पर इतना तो जरूर है कि इससे राज्य में भाजपा की हवा जरूर बनेगी जिसका प्रभाव लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।